जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का परिणाम दो सालों से नहीं निकाले जाने पर अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बाहर धरना दिया और इस दौरान अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर से भी मुलाकात की और बात नहीं मानने पर आयोग कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने आयोग पर परिणाम को लटकाने का आरोप लगाया और आयोग पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार आश्वासन देने का भी आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय के बाहर पहली बार परीक्षा परिणाम के न आने पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया और दो सालों से परीक्षा परिणाम न निकालने पर जिम्मेदार ठहराया। वहीं अभ्यर्थियों ने झूठा आश्वासन नहीं चलेगा और आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि बार बार चयन आयोग आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को टाल रहा है, लेकिन अब अभ्यर्थी नहीं मानेंगे और आज से ही अभ्यर्थियों ने आयोग गेट पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जब तक परिणाम नहीं निकाला जाता है तब तक क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। हम सारे के सारे जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे, ये सारे अभ्यर्थी हैं 556 पोस्ट कोड के, जिसका रिजल्ट जो पिछले 6 महीने से पेंडिंग है, जो निकला नहीं है अभी तक। और हम इसी लिए आए हैं यहाँ पे कि रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि हर बार जो है यहाँ से आयोग से यही सांत्वना मिलती है कि आपके 10 या 15 दिन में हम जो रिजल्ट निकालेंगे। आज भी हम जो है वो सचिव जी से मिले हैं तो उन्होंने बोला है कि अभी जो है 10-15-20 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि 31 तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम रिजल्ट निकाल देंगे। सेम इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो सचिव महोदय पहले भी बहुत बार दे चुके हैं और हमें जो है अब आश्वासन नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। हमारी कोशिश है कि हम जो है आज जैसे हमने धरना दिया है, अब हम जो है वो धरने पे बैठेंगे, लगातार धरने पे बैठ रहे हैं यहीं पे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम तब तक जो है धरने पे बैठे रहेंगे। पोस्ट कोड 556 JOIT के अभ्यर्थी यहाँ पे आज इसीलिए आए हैं कि हमें अपना रिजल्ट चाहिए। हम बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी 2 साल तक, अभी तक हमारा रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने से हमें 10-15 दिन बोल बोल के रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। हम सभी की यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाला जाए, अदरवाइज हम तो यहाँ पे धरने पे बैठ ही रहे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम कंटिन्यूसली यहाँ पे धरने। उन्होंने अभी भी हमें यही कहा है कि 10-15 दिन और इसमें टाइम लग सकता है, हर बार की तरह 10-15 दिन का टाइम दिया है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है इसलिए हम धरने पे बैठ रहे हैं। पर हमारा मेन टारगेट वही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम कंटिन्यूसली धरने पे बैठेंगे। आज हम सभी लोग इसलिए आयोग आए हैं क्योंकि पिछले 6 महीने से जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 556 का जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पा रहा है। आयोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा 15-20 दिन का वक्त जो है बार बार दे रहा है। पीछे भी हम तकरीबन 5-6 बार मिल चुके हैं आयोग के अधिकारियों से, लेकिन जो उनका जवाब है वो संतोषजनक नहीं है। इसलिए आज भी हम उनसे मिले थे, आज भी उन्होंने वही जवाब दिया जो पीछे देते रहते थे कि 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हम सभी युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने तय किया है कि अब हम आयोग के इस ढुलमुल रवैये को जो है इस तरह से नहीं सह सकते, इसलिए हम आयोग के गेट के बाहर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। जब तक ये रिजल्ट बाहर नहीं आ जाता तब तक हम क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। वहीं आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का कहना है कि अभ्यर्थियों की समस्या आयोग के ध्यान में है और JOA का परीक्षा परिणाम आगामी 20 से 25 दिनों के भीतर निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिणाम में देरी के लिए कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अभ्यर्थियों को जाना है, जिसकी वजह से परिणाम में देरी हुई है, लेकिन अब जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। एप्लिकेंट्स आए हैं पोस्ट कोड 556 के, जो आज जिन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं, ये चाहते हैं कि इसका रिजल्ट पोस्ट कोड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। इस संबंध में मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ। इस पोस्ट कोड की जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो अक्टूबर 2016 में हुई थी और उसके बाद इसका रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट 28 अप्रैल 2017 को किया गया था और उसका परिणाम घोषित हुआ तो उसमें 10,030 अभ्यर्थियों का चयन टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए किया गया था और उसका टाइपिंग स्किल टेस्ट अगस्त और सितंबर 2017 में कर लिया गया था। उसके उपरांत उसका परिणाम घोषित हुआ और उसका 15 मार्क्स की इवेल्युएशन प्रोसेस के लिए 3452 लोगों को बुलाया गया था। इसी बीच सरकार से क्लेरिफिकेशन
भी मांगा गया था कि इस की भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से हो, तो सरकार ने 19 मार्च 2018 को क्लेरिफिकेशन दिया कि जो पोस्ट कोड 447 के दौरान क्लेरिफिकेशन दिया गया था उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। तो उसके अनुसार आयोग कार्य कर रहा था और 15 मार्क्स का इवेल्यूशन प्रोसेस 10 अप्रैल 2018 से 27 मई 2018 तक चलता रहा। उसी बीच कुछ अभ्यर्थी जो है ट्रिब्यूनल में चले गए और ट्रिब्यूनल ने उस समय उसको स्टे लगा दिया प्रोसीडिंग को, और वो स्टे हमारे आयोग की रिक्वेस्ट के उपरांत 16 अगस्त 2018 को हटा। उसके बाद कुछ दूसरे अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में जो है वो 28 अगस्त को हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि भर्ती जो है स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद आरएमपी रूल हो और क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट का 19 मार्च 2018 का कैंसिल कर दिया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों के अपील पर अपना निर्णय रिव्यू किया और वो रिव्यू 5 नवंबर 2018 को किया गया, जिसमें उन्होंने अपने ऑर्डर को रखा उसी तरीके से स्टैंड रखा कि भर्ती प्रक्रिया कॉमन आरएमपी रूल के अनुसार हो, पर ट्रिब्यूनल को भी डायरेक्शन दी कि जो ट्रिब्यूनल है क्योंकि उन्हीं के आदेशों से ये सरकार ने क्लेरिफिकेशन जारी किया था आरएमपी रूल पे, ट्रिब्यूनल ही इसको डिसाइड करे। तो ट्रिब्यूनल में अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 7 मार्च को बताई गई है, जबकि आयोग ने हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी और आयोग ने अब अपना अंतिम निर्णय कर लिया है। अब जो है रिजल्ट का प्रोसेस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार और आरएमपी रूल में दी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है आयोग उसको कंसोलिडेट कर रहा है और 20 से 25 दिन में रिजल्ट को डिक्लेयर करने की संभावना है। गौरतलब है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 1156 पदों के लिए चयन आयोग हमीरपुर ने 2 साल पहले परीक्षा ली थी, लेकिन आज दिन तक परिणाम घोषित न होने पर अभ्यर्थियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हालांकि आयोग परिणाम न निकाले जाने के पीछे ट्रिब्यूनल और उच्चतम न्यायालय का हवाला दे रहा है और अब अभ्यर्थियों ने परिणाम को लटकाने को लेकर आयोग कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है।